भैया पिछले पार्ट में हम लोग ने जाना था कि हालत पूरा खराब था गांव का। गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग और जवान और प्रशांत मिलके एक मर्चेंट को यानी चावल का व्यापारी को कन्वेंस करने गए थे कि वो अपना चावल दे दे। तो वे लोग कन्वेंस करने में सफल रहे और वो व्यापारी ने अपना चावल दे दिया। चलो अच्छा है भैया, चावल मिल गया। यार चावल को कोई नहीं देख रहा था कि ये अच्छा है ख़राब है, क्योंकि यार ये बारिश हुआ था तो उस मर्चेंट के घर भी तो पानी घुसा था। बस सब कोई पकाना चालू कर दिए, बारिश के कारण लकड़ी भी गीला हो चुका था तो उसी को जलाएं क्या करेंगे। आग थोड़ा कम लग रहा था लेकिन फिर भी चावल तो पकेगा ना। फाइनली उन लोगों ने चावल बना लिया। 4 दिन के बाद सब कोई अपना पेट भरा। अब सबको एक बार तो खाना मिल चुका है। अब प्रशांत ने सोचा कि खाना खिलाना का काम तो हो चुका है, अब अगला स्टेप हम लोग सफाई का काम करेंगे, क्योंकि आसपास पूरा लाश था यार, आदमी लोगों का, जानवर लोगों का भी था, पूरा पेशाब, वोमिट, उल्टी। यार तुम्हारे बुक में एक शब्द है कैरकेसेस, CARCAWSES, इसका मतलब होता है डेड बॉडीज। 4 दिन से सारे डेड बॉडीज पड़े हुए थे, उसमें बैक्टीरिया वायरस भी लग रहा था, पूरा उनमें तो बदबू आ रहा था। उसको साफ करना था क्योंकि अगर साफ नहीं किया तो कुछ नया बीमारी फैलने का खतरा था। अब प्रशांत ने कुछ लोगों का टीम बनाया जो कि बिना पैसा के काम कर सके, क्योंकि यार अभी इतना बड़ा हादसा हुआ है, कौन पैसा देने सकेगा, किसी का पैसा नहीं रहा, घर का ठिकान नहीं, पैसा का सोचते हो। तो उन लोगों का एक टीम बनाया और साफ करने का काम चालू कर दिया। और कुछ कुछ लोग इस हादसे में जख्मी हो चुके थे। अब डाली गिरेगा, पेड़ गिरेगा तो किसी ना किसी को तो लगेगा ना, तो ऐसा ही जो लोग जख्मी हो चुके थे उसको हेल्प करने के लिए भी टीम बनाया, उनको भी हेल्प किया। उस हादसा का हुआ 5 दिन हो चुका था। 5वें दिन कुछ मिलिट्री हेलीकॉप्टर आए और खाना गिरा के चले गए। चलो खाना तो मिल गया लेकिन यार दोबारा अब गिरा ही नहीं रहे हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? आदमी एक के बार खा के थोड़े ना जिंदगी भर रह जाएगा, उसको दिन में 2-3 बार खाना चाहिए होता है। तो प्रशांत फिर कुछ लोगों को जमा किया और बोला कि जितना भी खाली बर्तन उर्तन है ना आसपास में सबको जुगाड़ करो, टूटा फटा है तो भी लाओ ना जुगाड़ करो। बर्तन जुगाड़ किया गया और फिर बच्चा लोगों को जमीन में सुला दिया गया, सब कोई को सुला दिया गया और उसके ऊपर बर्तन को रख दिया गया। अरे कहना क्या चाहते हो? यहाँ पर देख सकते हो इस प्रकार से रख दिया गया ताकि ऊपर से जब हेलीकॉप्टर गुजरे तो देख के समझ जाए कि यहाँ पर ये लोग भूखे हैं, इन लोगों को खाना का जरूरत है। इन लोगों का ये आइडिया काम कर गया। ऊपर से जब हेलीकॉप्टर गुजर रहा था तो वो समझ गया कि नीचे लोग भूखे हैं, इन लोगों को खाना का जरूरत है। उसके बाद रेगुलरली उनके जरूरत के हिसाब से हेलीकॉप्टर खाना गिरा के चल जाता था, खाना के साथ और कुछ जरूरी चीज भी गिराता था। चलो भैया खाना का तो जुगाड़ हो गया लेकिन यार प्रशांत ने देखा कि इस हादसा में बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए। यार वैसे बच्चे जिसके माता पिता नहीं होते उसको अनाथ कहते हैं, और बहुत सारे महिला विधवा हो गई, विधवा मतलब उनके पति डेथ कर गए, पूरा बच्चा लोग उदास थे। तो प्रशांत सबको एक जगह बुलाया, सबको इधर आओ इधर आओ बाबू लोग सबको, और एक प्लास्टिक का रूम में बैठाया सबको, और जितने भी विधवा महिला थी सबको बोला कि आप लोग भी इधर आइए और जितना भी बच्चा लोग है ना सबको इस सब का देखभाल कीजिए, और जितना भी पुरुष थे सबको बोला गया कि आप लोग इन लोगों के लिए खाना का जुगाड़ कीजिए। एक इकोसिस्टम बना दिया गया, बच्चा का देखभाल ये महिला लोग करेगी और ये सब के लिए खाना का जुगाड़ पुरुष लोग करेंगे। समय बीतता गया, प्रशांत देखने लगा कि ये बच्चे और ये महिला फिर उदास होने लगे हैं और इन लोगों का हालत खराब होने लगा है, क्या किया जाए। उसने सोचा कि इन लोगों को बिजी करते हैं, क्योंकि ये लोग खाली बैठे रहती है तो क्या करेंगे, सोचते रहती है, बच्चा लोग भी खाली बैठे रहते हैं तो वे लोग भी सोचते रहते हैं, इन लोग को बिजी किया जाए। तो उसने जितना भी महिला है उसको बोला कि आप लोग फूड फॉर वर्क प्रोग्राम में काम कीजिए, NGO एक संस्था है उसके द्वारा ये प्रोग्राम शुरू कर किया गया था। महिला लोगों को तो बिजी कर दिया, अब बच्चा लोग को बिजी करने के लिए स्पोर्ट इवेंट निकाला, मतलब खेल कूद करवाया, बोला कि जितना भी बच्चा लोग है इधर आओ। प्रशांत को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था तो वो बच्चा लोग को भी क्रिकेट पूरा खिला रहा है, क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, चौवा छक्का लगा रहे हैं, बच्चा लोग भी बिजी हो गए हैं। अब देखो प्रशांत और उसके साथ कुछ लोग थे, वे लोग ना इन बच्चे को और ये महिला लोगों को अपना ज़िंदगी को कंटिन्यू करने के लिए बहुत हेल्प किया। कैसे हेल्प किया, देखो गवर्नमेंट सोच रहा था
कि दो अलग अलग जगह बनाते हैं और एक जगह विधवा महिला लोग को रख देंगे और दूसरा जगह बच्चा लोग को रख देंगे। जैसे बच्चा लोग के लिए अनाथ आश्रम होता है ना, और बूढ़ा लोग के लिए वृद्धा आश्रम, वैसा ही लोग के लिए आश्रम सब बना देंगे, ये लोग रहेगा। लेकिन प्रशांत लोग बोले कि ये ठीक नहीं होगा, बच्चा लोग माता पिता के प्रेम के बिना कैसे रह पाएंगे, और ये महिला अकेले रहेगी, सोचते रहेगी, हमेशा चिंता में डूबी रहेगी। एक काम करते हैं, जितने भी विधवा महिला हैं जिनके पति मर गए हैं उनको ये अनाथ बच्चे दे देते हैं। जैसे कोई विधवा महिला है तो उसको एक अनाथ बच्चा दे दिया, दूसरा विधवा महिला है तो उसको एक बच्चा दे दिया। ऐसा करने से महिला लोग को भी अकेलापन नहीं लगेगा और बच्चा लोग को भी अपने माँ का प्यार मिलता रहेगा। देखो यार, प्रशांत इन लोगों के भलाई करने के लिए इतना बिजी हो गया कि उसको खुद का दुख में रोने का टाइम ही नहीं मिला। जब भी ये अनाथ बच्चे और ये विधवा महिला अपने दुख से परेशान हो जाते हैं तो एक बार ये प्रशांत के बारे में सोचते हैं कि यार ये 19 साल का छोटा सा बच्चा इतना दुख को सह सकता है तो हमारे लिए क्या है। उनको मोटिवेशन मिलता है और वे अपने ज़िंदगी को खुलकर जीते हैं। तो भैया कहानी तो ख़त्म हो गया, कैसा लगा कमेंट में बताना और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।